बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 8 है। कहता है डिस्प्ले एक्सप्लिसिटली द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के हवाले से जो टेंसर नोटेशन है हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो सॉल्व करना है, डिस्प्ले करना है। तो अब सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स के हमें गिवन क्या है, ए आई जे गिवन है और इसका आर्डर कितना है, 1 4 मीन्स 1/4। इसका आर्डर कितना है, एक रो और 4 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम। तो 1 रो आपने लिखनी है और 4 कॉलम्स, तो ये लिखा जाएगा A1 1 A1 2 A1 3 A1 4। तो 1 रो 4 कॉलम, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। फिर हम जो है वो सेकंड की बात करें अगर, तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में है स्टूडेंट्स ए आई जे और इसका आर्डर जो है वो कितना है, 2 4 है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो ये A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, और ये आर्डर 2/4 की हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो थर्ड की बात करें, तो थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड में अगर मैं इसको लिखूं तो 4 रोज 2 कॉलम्स, कितनी रोज हैं, 4 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें ये क्या लिखा जाएगा, 4/2 4/2 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखें तो आई और जे जो हैं वो क्या हो गए हैं, आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आई और जे जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं, लेकिन इससे जो है वो कोई स्टूडेंट फ़र्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे B11 B12, फर्स्ट रो हो गई 2 कॉलम, फिर B21 B22 B31 B32 B41 B42, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये थर्ड वाली। फिर अगर आप फोर्थ की बात करें तो ये आर्डर 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये आर्डर 3/3 की मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने इस ये जो मैट्रिसेस दी गई थी इनको हमने एक्सप्लिसिटली जो है वो डिफाइन कर दिया या लिख डिस्प्ले कर दिया। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैकोबियन, ठीक है, जो जैकोबियन मैट्रिक्स, तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।